नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को साइबर अब सोल्यूशन में। और आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम मार्चेंट क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करने की प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, अगर आपने पेटीएम मार्चेंट अकाउंट बना रखा है और आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, या फिर आपने एक दो दिन पहले कुछ पेमेंट एक्सेप्ट किया था और वो अभी तक आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट नहीं हुआ, उसके बाद अगर आप उसी क्यूआर कोड से दूसरी पेमेंट एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको एक एरर मैसेज शो होगा, पेमेंट होगा ही नहीं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मैं करता हूँ स्कैन। अब ये देखिए, ये मेरा मार्चेंट आईडी है और इसमें अगर मैं पैसे ट्रांसफ़र करूं, अब एरर मैसेज आएगा, फेल्ड हो गया, पेमेंट फेल्ड। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सभी मार्चेंट, जितने भी मार्चेंट है, सभी मार्चेंट के साथ हो रहा है। और मैंने भी दो दिन पहले कुछ पेमेंट एक्सेप्ट किया था 30,000 रुपये, और वो अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए। इसीलिए मेरा जो मैंने जिससे पेटीएम मार्चेंट का लिमिट इंक्रीज़ किया था फील्ड बॉय से, उनके सीनियर के भी सीनियर से मैंने कल बात करी थी और उन्होंने मुझे बताया था कि ये सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है और ये सिर्फ़ एक टेक्निकल इशू है, बहुत जल्द इसका सलूशन हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए मत, ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है और हो सकता है कि आज या कल के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा और जिनका भी पेमेंट जो पेंडिंग है ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन ओपन करते हैं स्टेटमेंट वगैरह चेक करने के लिए कि आपने कब कब कौन से पेमेंट एक्सेप्ट किया था, आप वो भी चेक नहीं कर सकते। जैसे आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आप दूसरा क्यूआर कोड जनरेट कीजिए, मतलब आपका अकाउंट है ही नहीं, आप न्यू अकाउंट क्रिएट कीजिए। और जैसे आप क्यूआर कोड गेट क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्यूआर कोड भी जनरेट नहीं होगा। इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोग परेशान हैं और बहुत लोगों का कमेंट आया मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि सबको अलग अलग रिप्लाई ना देकर सबको एक ही साथ एक वीडियो बना के बता दूं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।